अबे क्वेश्चन नंबर आपके चार। इसने कहा है कंपनी द्वारा किसी उत्पाद का निर्माण किया जाता है, टेस्टिंग और पॉलिशिंग दो चीजें, दो काम है, इसलिए दो 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 मैंने बनाया सबके, एक में दो दो बना डबल। इधर कर देंगे प्रेसिंग का, इधर कर देंगे पॉलिशिंग का, इधर कर देंगे प्रेसिंग का, इधर कर देंगे पॉलिशिंग का, यहाँ कर देंगे प्रेसिंग की इवेंट कॉस्ट, यहाँ कर देंगे हम प्रोसेसिंग की इन्वेस्ट कॉस्ट, दोनों अलग अलग कर दिया। सबका दे रखा है खर्चा जो मैंने लिखा है, और साथ में दे रखा है तुल्य उत्पादन ज्ञात करना है, फिर आपको लागत के विवरण कॉस्ट और एस्टीमेट ज्ञात करना है, पत्ती का विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य पर प्रतिशत क्या दे रखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट से, सबसे पहले नंबर एक लेंगे हम प्रेसिंग का। याद क्या आता है आपके प्रोडक्शन दो भाग हुआ, एक तो हमने नेक्स्ट प्रोसेस में कितना भेजना है और एक WIP कितना है, ये लिखते हैं या लिखेंगे यूनिट। देखो इनपुट कितना किया हमने 1200 का, जिसमें 1000 तो आपको कंप्लीट है आगे भेजना है, और इन प्रोसेस में रह गई कुछ WIP में कितना रह गए आपके 200 रह गए, उसको आपको मटेरियल पे भी काम में लेना है और कन्वर्जन कॉस्ट पर भी काम लेना है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है दो दो लागत साथ में, लेबर भी है और मटेरियल भी है। तो यहाँ भी हम वही, अब देखो यहाँ तो आएगा आपके परसेंटेज और यहाँ आएगी आपके यूनिट, यहाँ आएगा परसेंटेज और यहाँ आएगी आपके यूनिट, ये तो है हमने प्रश्न किया है। और हमें क्या करना है, पॉलिसिंग का भी ज्ञात करना है। पॉलिसिंग में भी वही नेक्स्ट में कितना भेजना है और WIP कितना है, इसमें कितना दे रखा है 1000 है टोटली, जिसमें से 500 तो नेक्स्ट पर्सन भेजना है, 500 आपके WIP में रह जाएगा पीछे, ये 500 और ये 500 टोटल तो 1200 है, और यहाँ टोटल कितना है आपके 1000 है, वही यहाँ पसंद लिखना है, यूनिट लिखना है। पहले देखो पहले इसका प्रेसिंग का 100% तो मटेरियल में, 100% तो हमेशा अगर आपके नेक्स्ट पर्सन पे तो आपके 100 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर आपके WIP दे रखा है तो उसमें चेंज होगा, लेकिन मटेरियल 100 ही रहेगा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ चेंज होता है, कितना आएगा आपके 60। अब इसका यहाँ 100 है तो यहाँ भी आपके 100 ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट परसेंट वाला चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आपके WIP वाला है तो यहाँ तो 100 ही रहेगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा आपके 50 हो जाएगा, क्योंकि ये जो WIP में मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता, ये जो चेंज आ रहा है किसमें आ रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट में आ रहा है, जो चेंज किया है सिटी में कहा है कन्वर्जन, मटेरियल को चेंज नहीं, मटेरियल 100 100 100, बस कन्वर्जन कॉस्ट में वो भी WIP कन्वर्जन। देखो ये तो हुआ आपके क्या कहते हैं इसे नेक्स्ट प्रोसेस, और ये होता है आपके क्या नाम है WIP कितना रह गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में तो 100 100 है, फिर WIP में कन्वर्जन कॉस्ट 60 है, कन्वर्जन 60 है, लेकिन ये तो 100 ही, इसको दिया हुआ नहीं। देखो 100 का 100 कितना होता है 1000 या 200 या कितना हो गया आपके 1200। अब 1000 का 100% 1000 और 200 का कितना परसेंट 60% कितना होता है 120, तो ये हो जाएगी आपके 1120। 500 का 100% कितना होता है 500, यहाँ भी 500 या 500 100% कितना होता है 500 या 500% कितना होता है 250, ये हो गए 750 और ये हो गए आपके 1000। अब यह कॉस्ट याद करेंगे, सबसे पहले आएगा आपके मटेरियल, फिर आएगा कन्वर्जन कॉस्ट, तीनों होते तो तीनों लेते अलग अलग, ये पहले इसका ज्ञात हो। पहले कर लो प्रेसिंग का, पहले वो खर्चे कितने हैं, मटेरियल खर्चा तो दे रखा है आपके 96000, इसका तो दे रखा है आपके 96000, और उसका दे रखा है आपके 287840 287840। अब हम यूनिट लेंगे, कौन सा प्रेसिंग का यूनिट कितना देगा, देखो 1200 1120, यहाँ तो है 1200 का भाग देंगे और यहाँ देंगे हम 1120 का, तो यहाँ रेट कितनी आती है, यहाँ आता है कि आपके 1280 रुपए, 80 रुपए अगर आएगा, और भाग कितना आएगा आपके भाग दो 287840 भाजक 1120, ये होता है आपके 257 रुपए। फिर है आपके प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में देखो ये रहा प्रोसेसिंग का खर्चा, पहले देखो खर्चे कितने हैं, एक तो है मटेरियल और एक है आपके लेबर,
सबसे पहले कि ये खर्चा कितना है, तो खर्चा दे रखा है आपके 8,875, ये तो होता है आपके 8,800 और वो होता है आपके 51,975। यूनिट कितना है, यूनिट का इसमें बात करो, यूनिट दे रखा है यहाँ 1,750, यहाँ तो है 1,000 यूनिट और यहाँ है 750 यूनिट, यहाँ तो आता है 88 रुपए, कैसे आता है 5/8 आता है, सही कैसे 8,875 ये आता 8.8 और वो 51,975 भाजक 750 ये होता है आपके 69.3 वो रेट आ गया। अब देखो इससे क्या है कि आपको अब आपको WIP गणना करनी है। WIP गणना कैसे करते हैं, आपके क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लेना है, यहाँ कितना क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपके, यहाँ तो दे रखा है आपके पांच, यहाँ पर पहले प्रेसिंग का, इधर तो ज्ञात करेंगे हम प्रेसिंग का और इधर ज्ञात करेंगे हम पॉलिशिंग का, इधर ज्ञात करेंगे हम पॉलिशिंग का, तो देखो कितना कितना होता है क्लोजिंग स्टॉक लेना है WIP, तो पहले इसमें कितना WIP है आपके 200 और 120, 200 यूनिट और 120, कोस्ट कितना ऊपर निकाला हमने, कितना 80 रुपए और 257 रुपए, 200 × 80 ये तो होते हैं 16,000 रुपए, 120 × 257 30,840 प्लस 16,000 11,46,840 WIP कि पॉलिसिंग क्या करो, पॉलिसिंग की तरह पॉलिसिंग की देर का है आपके 500 और 250, यहाँ 500 यूनिट या 250 यूनिट है, आ जाएगी 500 यूनिट और 250 यूनिट, ये सही है रुपये खर्च नहीं देगा, कौन सबसे देगा, कौन सब पिछहत्तर है हमारे ये कितना है आपके 46,840, एक मिनट इसमें क्या है देखो, ये आगे आपको देखो पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कंप्लीट, पहले प्रेसिंग ज्ञात करना पड़ेगा, तो 96,000 में उन्होंने भाग दे दिया किसका 1200 का और इसमें भाग दे दिया गया 120 का और फिर हमने इसका ज्ञात कर लिया प्रेसिंग, प्रेसिंग ज्ञात किया 200 यूनिट और 120 यूनिट को गुणा कर ले तो आपके इसमें देखो आपके जो ये दे रखा है कन्वर्जन कॉस्ट कितना दे रहा है 30,840 है तो यहाँ कन्वर्जन कितना दे रखा है 2,10,400, ये पहली प्रक्रिया और ये दूसरी प्रक्रिया, तो नेक्स्ट प्रक्रिया हम भेजते हैं तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का आपको ध्यान देना है, ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है क्लोजिंग स्टॉक घटाना है, तो फिर वो खर्चा आएंगे कि मटेरियल कितना थोड़ी, अब जब प्रोसेस बनाते हैं पहले फर्स्ट उसका जो खर्चा हो रहा है सब जोड़ते हैं फिर आगे भेजते हैं, इसमें भी यही है आपके जैसे दे रखा है 2,87,840 दे रखा है, इसमें से जो कन्वर्जन कॉस्ट कितना दे रखा है 30,840 घटाएंगे और जोड़ देंगे कितना हम 8,800, ये क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे, ये तो है क्लोजिंग स्टॉक और ये है आपके ओपनिंग स्टॉक, वो आगे जाकर मटेरियल जुड़ जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा 2,87,840 -30,840 +8,800 ये होता है आपके 2,65,800, ये होगा 2,65,800 भाजक 1,000 करेंगे तो ये आएगा आपके 265.8 आ गया। अब यहाँ 265.8 लिखेंगे और यहाँ 69.3 लिखेंगे ×500 8,8 जोड़ दिया अंदर वो ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया 500 गुणा करेंगे 265.8 से ये आ रहा है 1,32,900 और 250 का गुणा करेंगे हम 69.3 से ये आएगा आपके 17,325। तो क्लोजिंग स्टॉक पूछ ले आपके इस पॉलिसिंग का भी
तो हम याद कर सकते हैं 132,900 याद आएगा 150,225। अब देखो हमारे पास इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आ गए हम, ये वाला इसमें जुड़ गया, तो इसलिए आपके ये होगी आपके फाइनल कॉस्ट। कॉस्ट कितनी हो गई 265.8 प्लस 69.3, दोनों को जोड़ लो 265.8 प्लस 69.3 335.1। इसमें से जब आप इसमें ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, और कितना है 25% ऑन सेल्स, सेल्स का कितना परसेंट है आपके 25%, मानना कि ये कितना है आपके 100 है, यही है 25% ये। अब किस पर है ये, सेल्स पर है, सेल्स पर है तो क्या हो जाएगा, मानना कि ये सेल्स कितनी माल है 100, ये कितना है 25, ये कितना हो जाएगा 75, तो 335.1 भाजक 75 × 25 भाग तीन बार जाएगा तो तीन का भाग दो इसमें, ये आएगा आपके 111.7 प्लस 335.7 ये हो जाएगा आपके 446.8 आ गया। दो प्रोसेस है, छोटी समस्या है।